हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जुपिटर एकेडमी पे। तो आपको जैसा आइडिया होगा, अभी पशु परिचर की जो 2023 और 24 की वैकेंसी है, तो उसके 19 तारीख से आवेदन फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं सॉरी। तो अपने उसी के अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग अपने रोज़ाना क्लास से लाया करेंगे, अपने सेट लाया करेंगे। तो उसमें भूगोल के भी मिलेंगे, हिस्ट्री के, हिंदी के, और जो भी उसका सिलेबस है उसके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम जो एमसीक्यू टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वो आपको मैं यहाँ से करवाया करूँगा, ठीक है। तो चलते अपने कुछ एक सेट आया करेंगे, कंटिन्यू आप बने रहना, और जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत बोलना भी, वीडियो को लाइक भी करना, और मेरे को कमेंट करते अपने अच्छा लगा होगा आपको। चलते अपने कंटिन्यू उसी के, ठीक है, रुझान में। तो अपने सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अपना क्वेश्चन नंबर एक की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर एक, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करता हूँ तो आपकी जो सबसे लंबी नदी रहने वाली है भारत की, वो कौन सी नदी रहने वाली है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी भारत की जो सबसे लंबी नदी कहलाती है, तो मैं गंगा नदी को यहाँ पर टिक करता हूँ कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आप लोग सर गंगा नदी की लंबाई बता सकते हो? मैंने कहा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई पड़ती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी। सोनीवर ये जो ऐसी नदी जो भारत में गोल्ड के जो प्लेसर के लिए, सोने के प्लेसर के लिए विख्यात है, गोल्ड नदी, ये सोन नदी जो पड़ती है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी कहलाती है, कौन सी? गोदावरी नदी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, जल्दी से वीडियो को, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कंटिन्यू अपने इसी कड़ी में रोजाना रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत की मुख्य भूमि की आकृति कैसी है? भारत की जो मेन बाउंड्री है, मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की जो मेन बाउंड्री है उसकी आकृति आपको कैसे देखने को मिलती है? तो भारत की जो लैंड मेन बाउंड्री है उसकी आकृति अपने को कौन सी देखने को मिलती है? चतुष्कोणीय, यानी कि भारत की आकृति चार कोणों को इस प्रकार अपने को देखने को मिलती है, चार कोणों के समान इस प्रकार आपको दिखाई देती है, तो चतुष्कोणीय आकृति भारत को आपको देखने को मिलती है। विषमकोणीय चतुर्भुज जो आकृति है, ये अपने राजस्थान की आकृति की विषमकोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देती है। यहाँ से अपने आइडिया से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पशु परिचर में आ सकता है, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पे मिलने वाले हैं, और मैं आपको इसी के रुझान में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। और अपना जो व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आपको मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप व्हाट्सअप चैनल भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी आपको एनी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो नीचे मेरे मोबाइल नंबर है 9782346231, तो इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप ही आपका कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। वापस, भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को जितना भी हो सकता है शेयर भी जरूर करना भी। जुपिटर एकेडमी आपको पता लग चुका होगा कितनी टेक्निकल के रूप में क्लासें लेके आ रही है। भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित पड़ता है? उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बात करता हूँ, या फिर अगर मैं देशांतर के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो भारत विश्व में कौन से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देता है? इस प्रकार का अगर मान के चलना ये अपना भारत है, तो ये कौन से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपको दिखाई देता है? यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करता हूँ। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल पड़ता है, अगर विश्व का कुल क्षेत्रफल 100% है अपने आप में, तो भारत का उसका लैंड एरिया की बात करते हो तो भारत का लैंड एरिया विश्व के कुल प्रतिशत का 2.42% पड़ता है, क्योंकि जो 17.5% है ये तो भारत की जनसंख्या पड़ती है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% है। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बी आंसर होने वाला है, 2.42% आपका रहने वाला है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगे जल्दी से कमेंट में मेरे को बता देना, और लाइक भी करना मत भूलना। आंतरिक अपवाह में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? देखो, अपवाह होता है तीन प्रकार का होता है, इंटरलैंड होता है, या आंतरिक प्रवाह होता है। अरब सागर में जो नदियां गिरती है उसे अरब सागर की नदियां कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां पड़ती है उसे बंगाल की खाड़ी की नदियां कहा जाता है। तो मैं आंतरिक अपवाह के अकॉर्डिंग बात करूँ राजस्थान में, तो आंतरिक अपवाह की जो अकॉर्डिंग जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो गग्गर नदी आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कहलाती है। गग्गर नदी राजस्थान की जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, और उत्तर भारत उत्तर राजस्थान से प्रवेश भी करती है गग्गर नदी, और पाकिस्तान की जो फोर्ट बास पड़ता है वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर नदी रहने वाली है। इसके जो अगर मैं इंपॉर्टेंट नाम बता दूँ, सरस्वती, दसवती, नट, नाला और मृतस्वत्र, इसके इंपॉर्टेंट जो अन्य नाम पड़ते हैं। चंबल नदी है जो कि भारत की राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कहलाती है, ये जो कि विख्यात बीहड के लिए प्रसिद्ध पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो है 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना हिस्सा है? राजस्थान के लैंड एरिया की बात करते हो, जो भारत का कुल प्रतिशत जितना एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से राजस्थान का जो एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो कितना परसेंट है? तो आपने कैसे कैसे है 10.41% वो एरिया रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
और आगे भी वीडियो को शेयर करना भी, क्योंकि अगर आपको पता भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है तो आगे मैं आप भी चाहो भी जुपिटर अकेडमी आपके लिए बहुत टेक्निकल के रूप में क्लासेस लाने वाली है, बहुत टेक्निकल, बिल्कुल भी ऐसे काम घटिया काम नहीं करेंगे, अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपको इसकी PDF भी अगर चाहिए, सर अभी हमें ये PDF भी चाहिए, तो आपको ये PDF व्हाट्सअप जो चैनल है व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से व्हाट्सअप चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने बात करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, 7 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ भारत के इतिहास की काफ़ी अच्छी फेमस बुक है, इसके रचयिता कौन है, तो कर्नल जेम्सटोन को इसका रचयिता कहा जाता है, कर्नल जेम्सटोन को इसका रचयिता कहा जाता है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और इसी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग इसने अपना भारत का अच्छा राजस्थान का अच्छा इतिहास लिखा था, इसलिए इसे आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है और घोड़े वाला बाबा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कर्नल जेम्स बॉन्ड लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे टोड है, कर्नल जेम्सटोन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया। राजस्थान को सबसे पहले रायथान या फिर रजवाड़ा कहने वाले ये ऐसा कौन था, तो ये भाई साहब अपने कर्नल जेम्सटोन थे। कर्नल जेम्सटोन ऐसे बंदे थे जिसने सबसे पहले राजस्थान के लिए कौन सा रायथान या फिर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन है जो राजस्थान की हर वैकेंसी में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, तो पशु परीक्षा के लिए भी आप बहुत से अच्छे से तैयार रहिएगा। तो कर्नल जेम्सटोन जो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आपको सर ऐसा कौन सा शब्द था जो राजपुताना जो जॉर्ज थॉमस ने, तो राजपुताना ऐसा फेमस वर्ड था जिसमें सबसे पहले यूज करने वाला कौन था, जॉर्ज थॉमस ही था। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है कर्नल जेम्सटोन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान कौन सी है, तो गुरु शिखर से जरगा नंगा पर्वत। तो राजस्थान की जो सबसे हाईएस्ट पीक पड़ती है उसे गुरु शिखर कहा जाता है। गुरु शिखर ये जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पीक पड़ती है, गुरु शिखर सिरोही जिले के अंदर आती है और ये कहाँ पे राजस्थान के अंदर आती है। तो इसका भी आपको, इसका ए नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट होगा, तो 9 का आपका कौन सा ए आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 9 का ए नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। इसके बाद मैं बात करता हूं तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी विकसित नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी विकसित नहर परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी विकसित नहर परियोजना गंग नहर परियोजना, सिंध मुख नहर परियोजना, या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर नर्मदा नहर परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी जो विकसित नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट से अच्छे से याद करना, आगे भी अपने क्लास के अंदर इसको बहुत से अच्छे से बारीकी से पढ़ने वाले इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। तो आज की क्लास के लिए अपने जो 10th क्वेश्चन है वो आपसे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट हो, तो मेरे को ये जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है 9782346231 इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपको अगर इसके PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल है जो उसके ऊपर ज्वाइन हो सकते हो। तो व्हाट्सअप चैनल में आपको अभी लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, इसी के अकॉर्डिंग दूसरा सेट भी आपका कल आ जाएगा, तो उसके अंदर भी ज्वाइन होता होते रहना। ठीक है, और आपका जो भी है रिस्पॉन्स मेरे को जरूर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।